फर्स्ट लुक ऑफ MIUI 10 ऑन पोको F1 फोन। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि जो पोको F1 के फोन है उसके अंदर जो है MIUI 10 का जो है किस तरीके का लुक है, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या बेंचमार्क स्कोर उसको देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पोको F1 हम परचेज कर चुके हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक दो वीडियो बनाई थी, छोटा सा मिनी रिव्यू भी दिया था और उसको हमने अनलॉक भी कर लिया था और उसको रूट भी कर लिया था। तो हमने इसके अंदर MIUI 10 जो है इंस्टॉल कर लिया, तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि क्या मिलता है आपको MIUI 10 के अंदर इसके फ़ोन में। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास पोको F1 फोन है, तो देखने में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो लॉन्चर जो है इसका MIUI 9 में भी वही पोको लॉन्चर था और MIUI 10 में भी पोको लॉन्चर था। तो उस लॉन्चर की वजह से ज़्यादा आपको चेंजेस दिखते नहीं है, आइकन थीम वगैरह एज इट इज़ वैसे ही दिखती है, लॉन्चर वैसे ही काम करता है जैसे उसमें काम करता था। तो ऐसे देखा जाए तो फर्स्ट लुक में तो आपको लगेगा नहीं कि आप MIUI 10 के ऊपर है, क्योंकि एज इट इज़ वही थीम है जो MIUI 9 पे आपको मिल रही थी पोको लॉन्चर की। तो उसकी वजह से कॉस्मेटिक चेंजेस आपको ज़्यादा देखने को मिलते नहीं है, स्टेटस बार आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं कैमरा वगैरह बिल्कुल वैसा ही है जैसा एज इट इज़ MIUI 9 में था, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वही 4K रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, पोर्ट्रेट मोड अच्छी तरीके से काम कर रहा है, सब कुछ इसमें ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। मैं वीडियो की सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। देखिए वीडियो की सेटिंग्स में इमेज स्टेबिलाइजेशन है आपको, वीडियो क्वालिटी आपको इसके अंदर 4K की मिल जाती है 30 FPS पे, और साथ ही साथ वीडियो इनकोडर भी मिलता है जो 8.264 या 265 पे इसको यूज़ कर सकते हैं, और वीडियो HFR की आपको ऑप्शंस मिलते हैं जिनको आप इसमें इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको देखने को मिली, सेटिंग्स पैनल भी अब एज इट इज़ वैसे ही है, ज़्यादा कोई आपको उसके अंदर कुछ देखने को मिलेगा नहीं कि कुछ नए फीचर्स इसके अंदर ऐड किए हैं, सारी वैसे ही हैं। ड्यूल वोल्ट अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मेरे को अभी तक। डिस्प्ले वॉलपेपर थीम्स एज इट इज़ वही हैं, आपको कोई थीम्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगी, वही क्लासिकल पोको और क्लासिक थीम्स आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर। वॉलपेपर में आपको वही प्री इंस्टॉल जो वॉलपेपर्स हैं आपको MIUI 9 में देखने को मिले थे, वही आपको इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। बट एक चीज़ मैंने इसमें नोटिस की है, जो इसका जो बेंचमार्क स्कोर था वो थोड़ा सा बढ़ गया है इसके अंदर। मैं आपको बेंचमार्क स्कोर दिखाता हूँ, MIUI 10 में इसका बेंचमार्क स्कोर जो है थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है इसके अंदर, बट इसमें अब वो 285096 है। पबजी गेम अच्छी तरीके से चल रहा है, मैंने इसको HDR मोड पर खेला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है मेरे को। सबसे अच्छी बात है कि हीटेड नहीं हो रहा है फ़ोन की, कि आप बोल रहे थे कि हीटेड होता है ये होता है, वैसा मुझे लगा नहीं है अभी तक। मैं जितनी बार भी इसमें गेम खेला है और काफ़ी देर तक मैंने इसमें ब्राउजिंग वगैरह की है, मुझे कोई इसमें इशूज़ देखने को नहीं मिला है। तो ज़्यादा कुछ आपको MIUI 10 के अंदर देखने को मिलता नहीं है, कॉस्मेटिक चेंजेस कोई भी नहीं है। मैं आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ बाकी हमने फ़ोन को अपडेट कर रखा है कि नहीं। ये देखिए सेटिंग्स, अबाउट फ़ोन, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे एंड्रॉइड वर्जन जो है 8.1.0 है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल जो है इसमें 1 जुलाई का है, अभी अगस्त का नहीं मिला है इसको MIUI 10 को। और जो MIUI 10 का जो अपडेट इसको अभी मिल रखा है वो है 8.8.28 बेटा पे है इस टाइम पे ये, ठीक है। सिस्टम अपडेट में आप देख सकते हैं हमने फोन को अपडेट कर रखा है और नाइटली बिल्ड शो कर रहा है, यानी कि क्लोज बेटा है ये। और साथ ही साथ मैं व्हाट्स न्यू में दिखाता हूँ, व्हाट्स न्यू में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताने वाला था कि कुछ ज़्यादा चेंजेस मुझे इसमें दिखे नहीं है अभी, बाकी मैं एक दो दिन यूज़ करूँगा फिर बताऊँगा कि परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। लुक जो है एज इट इज़ वैसे कि आइकन्स वगैरह MIUI 9 में भी मुझे ऐसे ही देखने को मिल रहे थे, सारे के सारे सारी चीज़ें वही अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिल जाता है, इसमें बटन्स और फुल स्क्रीन जेस्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ मिरर बटन्स का भी ऑप्शन मिलता है कि अगर आप बटन्स को मिरर करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम। देखिए रीसेंट का बटन जो है ये चेंज हो जाएगा, इसकी पोजीशन देखिए इस तरीके से आप इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। कैमरा क्वालिटी अच्छी है, कैमरे में नो डाउट कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैं कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किए हैं, उसमें कुछ आपको नए ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे ऊपर ये ब्यूटीफुल कुछ एक मोड मिलता है जिसमें आप ब्लर लेवल को इसमें सेट कर सकते हैं, किस तरीके का ब्लर लेवल चाहिए आपको इस फोटोग्राफ के अंदर। लाइट ट्रेल स्टूडियो लाइटिंग आपको MIUI 9 Pro में भी मिल रहा था, और साथ ही साथ इसमें एक ऑप्शन और मिलता है हर्ट का, जिस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फोटो जो है आपके फेवरेट ऑप्शन में फेवरेट एल्बम में सेव हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं, और कुछ ज़्यादा चेंजेस मुझे देखने को मिले नहीं है अभी तक फिलहाल इसके अंदर। सिक्योरिटी पैच वैसा ही वैसी है जैसा होना चाहिए इसके अंदर, आपको वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, व्हाट्सएप क्लीनर, ब्लॉक लिस्ट, सेकंड स्पेस, ड्यूल एप्स, टेस्ट नेटवर्क वगैरह, सारे के सारे वही ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो बस यही छोटा सा एक वीडियो था कि कैसा लगता है MIUI 10 का। काफ़ी लोगों को ये था कि MIUI 10 कैसा इसमें लुक आएगा, कैसा लुक नहीं है, तो फर्स्ट लुक में तो पता नहीं चलता है कि आप MIUI 9 पे है कि नहीं, क्योंकि लॉन्चर की वजह से वो लुक जो है आपको पता नहीं चलता है। तो बस जो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बस मेरे का बस MIUI 10 का थोड़ा सा आपको लुक दिखाना था तो आप मैं दिखा चुका हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।